गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आज जुड़ चुकी हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 60 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब में। और इससे पहले का आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो जो 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक है, तो मैं पहले सजेस्ट करूंगी कि पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 60 से लेकर के 100 के आगे तक का क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका था और ये काफ़ी आप लोगों के रिवीजन के लिए हेल्पफुल है। मैं पिछले भी बार भी बता चुकी हूँ, इस बार भी बता रही हूँ। और हाँ, एक और सबसे ज़रूरी बात कि मैं इस वीडियो के लास्ट में या कहीं पर भी मैं बताऊंगी कि ये सारे का सारा 100 क्वेश्चन आप लोग रिटर्न फॉर्म में कहाँ पर देख सकते हो या कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए 61 पे क्या लिखता है, आराम आराम से समझेंगे क्योंकि अभी ग्रामर का क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो ग्रामर के क्वेश्चन को आराम से समझेंगे ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा तो उसको हम लोग इजिली कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है आई हैव अ फ्रेंड, ठीक। अब इस जगह पे हमको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब हु, हाउ, व्हाट, हुम, ये सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। आप पूछोगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट फ्रेंड है और फ्रेंड सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। मतलब इस जगह पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसके पहले जो वर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको प्लूरल वर्ब दिख रहा है उसको कट कर दीजिए। वेयर प्लूरल है, कट कर दीजिए। आर प्लूरल है, कट कर दीजिए। और वाज, अब है कि वाज तो सिंगुलर है और इज भी क्या है, सिंगुलर है। तो बात होता है कि इज क्यों लगा, वाज क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पर देखिएगा आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड मतलब मेरे पास एक दोस्त है, प्रेजेंट का बात कर रहा है, तो हम वाज नहीं लगा सकते, ठीक है। जब आधा सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ है तो बाकी का आधा सेंटेंस हम लोग पास्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आई होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं, जो ग्रामर का क्वेश्चन है बहुत ही आराम से करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसको समझने का जरूरत है। रेशमी बाउट अ बुक एंड इंक पोट। अब इंक पोट, यहाँ पर एक आर्टिकल चाहिए आप लोगों को और ये आई से शुरू हो रहा है तो ये तो आप लोग भी जानते होंगे, सिंपल सा है कि एन लगेगा, ठीक है। सुनिधि डैश गेट अ न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट। बोलती है कि सुनिधि को न्यू ड्रेस मिल सकता है, ऐसा वाला बात है ना, अगर वो क्या करती है कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करती है तो मिल सकता है, कैन, ठीक है। डैश यू क्लोज द डोर प्लीज, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है ना, या रिक्वेस्ट ही कर रहा है एक प्रकार से, या फिर क्या बोल सकते हैं, पूछ रहा है, पूछ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है। तो ऐसे पूछने के सेंस में हम लोग लगाते हैं वुड, जैसे बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू टी योर कॉफी, वुड यू लाइक टू गो विद मी, ठीक है। तो यही हो गया कि वुड यू क्लोज द डोर प्लीज, ठीक है। बहुत ही पोलाइटली बोलना होता है ना तो हम लोग वुड का यूज करते हैं। फिर 65 की तरफ चलते हैं। माई ब्रदर डैश एट कंसर्ट टुमोरो। अब इस कीवर्ड्स को आप लोग कैच करिए। टुमोरो, टुमोरो मतलब आने वाले कल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और आने वाले कल के बारे में बात हो रहा है तो विल बी के साथ वर्ब 1 नहीं लगता है, विल बी के साथ वर्ब 4 लगता है। विल हैव का कोई मतलब नहीं है, और हैव अगर लगा रहे हो तो यहाँ पे वर्ब 3 चाहिए, ये गलत है। विलिंग परफॉर्म कुछ नहीं होता है तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। देखा किस प्रकार से मैंने किया। तो आप लोगों को भी अगर कुछ यहाँ से आइडिया मिलता है तो उसको अपनाइए, ठीक है। मैंने क्या किया कि जो जो गलत था मैंने उसे गलत किया पहले, सही वाला अपने आप समझ में आ जाता है। एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज। एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है। जैसे एटसेट्रा लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखते हैं, ईटीसी लिखते हैं, तो ईटीसी क्या हो गया, एटसेट्रा का एब्रीविएशन हो गया। और ये छोटे छोटे शब्द जो है नोट मेकिंग में यूज होते हैं।
समरी समरी जो है वो कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल पैराग्राफ लिखा हुआ है 10-12 लाइन का, अब आपको उसका पैसेज करना है, सॉरी समरी करना है। जैसे 12 लाइन का है तो अगर आपको उसको समरी करना है ना, तो इसका 1/3 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 लाइन। तो अगर 12 लाइन का पैसेज हो तो 4 लाइन से ज्यादा का समरी नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आंसर। द समरी कंटेंस, समरी में क्या होता है, तो समरी में मेन आइडिया लिखा जाता है, जो भी पूरा पैसेज का मेन आइडिया होता है उसको हम लोग समरी में लिखते हैं। वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, आप देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, सेंटेंस में जो यहाँ पर देख लीजिए किस टाइप का, या तो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, तो वो गलत है। तो यहाँ पर देखिए एन ग्लास बिल्कुल अप्रोप्रिएटली गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनदर ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपको और ग्लास चाहिए पानी का। आई appeared for the exam today. I appeared for the exam today. अब देखिए यहाँ today भी लिख रहा है और appeared भी लिख रहा है। जब आज का ही बात है तो फिर यहाँ पे past लिखने का क्या जरूरत है, आज का ही बात है तो past लिखने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो verb का second form है। Tense clear होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर I appeared for the exam today, भर्ब टू है, यानी कि पास्ट है, तो ये तो नहीं होगा, आई हैज अपीयर्ड हो जाएगा, ठीक है, नो करेक्शन, ये गलत है, ठीक है, आंसर गलत हो गया है। आई हैज अपीयर्ड मतलब मैं आज अपीयर हुई एग्जाम में, या हुआ एग्जाम में, ठीक है। राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, राम वेटिंग, अब वेटिंग केवल अकेले तो लग नहीं सकता है, यहाँ पर इज आर एम वाज वेयर कुछ तो चाहिए ना, तो वेट तो हो नहीं सकता, वेट तो ऑलरेडी लिखा, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इज वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM, गीता, गीता सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हैज को ढूंढिए, और सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ देख करके ही आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है, बीन ढूंढना है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन जो बच्चा ध्यान से सुनेगा एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है उसका, ठीक है। तो हैज रीडिंग का कोई सेंस नहीं बन रहा है, हैव तो ऐसे भी नहीं लगना है, तो हैज बीन रीडिंग, ठीक है। वेट व्हाइल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड, मतलब सेंस क्या आ रहा है कि तब तक वेट करो जब तक कि बस जो है स्टैंड पे है, तो तक तक के लिए हम लोग व्हाइल नहीं यूज करते, व्हाइल का मतलब होता है जबकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिल। आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, आई विश जब कुछ हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, तो माइट बोलते हैं कि वो कर सकती है ऐसा, ठीक है, करेगी, ये तो हम लोग पोलाइटली के सेंस में बोलते हैं। अब देखिए ये वाला बड़ा मजेदार चीज होता है, रीअरेंज करना, ठीक है। तो रीअरेंज करने में आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑप्शन के साथ खेलो, ठीक है, बड़ा मजा आता है इसमें। अब देखो रोटेट से तो वर्ड यूज हो नहीं सकता है, वर्ब से तो होगा नहीं, ठीक है, फ्रॉम से तो होगा नहीं, तो एस और पी से कौन कौन सा स्टार्ट है, देखिए एस से ये स्टार्ट है खत्म, पी से ये स्टार्ट है खत्म। अब आर और क्यू से स्टार्ट देखिए हो सकता है क्या, ईस्ट टू वेस्ट, और क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्या, द सन, ईस्ट टू वेस्ट से स्टार्ट होगा क्या, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो आर कट करेंगे, पक्का क्यू ही आंसर होगा। इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। सेम यहाँ पर तो देखिए एवरीडे से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो एस से कौन कौन स्टार्ट है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि एवरीडे क्या से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, तो एस वाला हटा दिए क्योंकि उससे शुरू होने से रहा। अच्छा पहला वाला देखिए आर से शुरू है और बी वाला पी से शुरू है, तो आर से शुरू हो सकता है। आई सपोर्ट एवरीडे द पुअर, आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे, और पी से स्टार्ट हो सकता है क्या, देख लीजिए तो द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे, द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो इस टाइप से ये सवाल को करना होता है। आगे फिर से करेक्ट करने वाला है, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्ट, यू आर, आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आई एन जी, यू आर रिक्वेस्टिंग, शुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, मतलब बोल रहा है कि क्या आप मुझे अपना कार उधार दोगे, फिर से पोलाइटली बोल रहा है ना, तो वुड लगेगा, शुड कहाँ से, शुड मतलब तो चाहिए होता है। गोपाल नीड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, पास्ट का बात कर रहा है कि जब वो मुंबई में था ना, तो वो मॉर्निंग वॉक जाया करता था, उसका हैबिट था पास्ट में, तो उसके लिए यूज्ड हम लोग यूज करते हैं।
अब देखिए ग्रामर यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, ग्रामर का पोर्शन यहाँ पे खत्म हुआ। अब उसके बाद वापस से हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, सोच रही हूँ करवा दूँ आप लोगों को, करवा ही देती हूँ, ठीक है। जैसे नोट मेकिंग से रिलेटेड कुछ था ना, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल लेटर में सबसे स्टार्टिंग पे क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में सबसे स्टार्टिंग पे क्या लिखते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग पे सेंडर एड्रेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस। और अब उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डेट कहाँ लिखते हैं, तो डेट जो है सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में लिखते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था तो सोची करवा दूँ, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था। बढ़ते हैं आगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें और अच्छा भी लग रहा होगा रिविजन करने में। वट वॉज हार्ड टू बिलीव अबाउट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, तो ये पिछला वीडियो जो देखे होंगे बच्चे उनको आराम से मालूम होगा कि खुशवंत सिंह के लिए क्या बिलीव करना बहुत मुश्किल था, यही कि उसकी दादी कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी, क्योंकि 20 साल से वो अपनी दादी को वैसे देख रहा था। व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए वो आधा घंटा सबसे खुशनुमा पल कौन सा होता था, जब वो स्पैरो को खिलाती थी। द वोएज, वोएज कौन, वो बड़ा सा सिप, वर्ल्ड वोएज, वेब वोएज जो था वो कहाँ पर पीसफुली रुका था, कैप टाउन में। सीयू का फुल नेम, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सुजैन था। द वॉइस ऑफ द रेन में किसको पर्सनिफाइड किया गया, मतलब किसका रूपक रूपीकरण किया गया है, मानवीयकरण, ठीक है, रेन का, ठीक, वो बोल रहा था। व्हाट डज द रेन डू टू नेचर, नेचर के लिए रेन क्या करता है, उसको क्लीन भी करता है, ब्यूटीफाई भी करता है। हु रोट द स्टोरी रंगास मैरिज, रंगास मैरिज कौन लिखा है, मस्ती वेंकटेशिया अयंगर, अयंगर है, हाँ। हु नरेटेड द स्टोरी, नरेट कौन, क्या बोला कौन है, रंगा। व्हाट इज होसाहली, होसाहली क्या है, रंगा का विलेज है। वेयर वॉज होसाहली विलेज, होसाहली विलेज का जिक्र ही नहीं है इन ज्योग्राफी की टेस्ट। वेयर डिड आरम लीव, आरम कहाँ रहता था, ठीक है, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वेलनट एवेन्यू, ठीक है। हाउ वॉज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आरम, आरम के अकॉर्डिंग हॉर्स कैसा था, मैग्निफिसेंट था, लवली था, ब्यूटीफुल था, वाइट हॉर्स, मतलब ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था। हु कुडंट बी अ मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली, ठीक है, गैरोग्लेनियन फैमिली किस लिए जाना जाता था, ऑनेस्टी के लिए और ट्रूथनेस के लिए। तो एक चोर इस चीज का मतलब कि एक चोर जो है गैरोग्लेनियन फैमिली का पार्ट नहीं हो सकता था। हु वॉज अंकल खोशुरव, अंकल खोशुरव कैसे थे, हॉट टेम्पर थे, गुस्से वाले थे, इम्पेशेंट थे, बिल्कुल भी सब्र नहीं था उनको, सारा ही खूबियाँ था उनमें, मतलब जो भी बोल सकते हैं खामियाँ। हु इज द ऑथर, द एड्रेस का ऑथर कौन है, मार्गो मिनको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे आइडियाज आना चाहिए, ठीक है, फैक्ट जरूरी नहीं है कि कितना फैक्ट आप याद रखते हो। मदर्स डे में जो सबसे नेग्लेक्टेड पर्सन, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता था, वो कौन थी, मदर्स, कुछ नाम था इसका। शाहिद वाज, शाहिद कौन था, एक पोइट। बढ़ चुके हैं हम लोग अपने 100 क्वेश्चन की तरफ, केवल 30 मिनट हुए अभी। हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोयम, फाइनली किसको मतलब फांसी पे लटकाया गया था मेलन सिटी वाले में, द किंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए और भी एक इम्पोर्टेंट चीज लेकर के आई हूँ, इसलिए मैं कह रही थी 100 से प्लस ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पोइट और ऑथर नेम आप लोगों के सामने देखने को आप लोगों को मिल रही है। देखिए स्टोरी का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, कौन है इसके ऑथर, खुशवंत सिंह, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह। फोटोग्राफ के कौन है, सिरले टॉल्सन, फोटोग्राफ का कौन है, सिरले टॉल्सन, सिरले टॉल्सन। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके कौन है, गॉर्डन कुक, गॉर्डन कुक। डिस्कवरिंग टट, इसके कौन है, ए आर विलियम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास बहुत सारे, मतलब कि ज्यादा नहीं है, शायद 13, हाँ 13 मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, पार्ट 2 जो बुक है उसका नहीं लाई हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, और चलिए अब आप लोगों को ले चलती हूँ कि इसका रिटर्न फॉर्म आप लोग कहाँ देख सकते हो, तो चलते हैं। तो देखिए बस आप लोगों को सिंपली क्या करना है, किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है आपने, ठीक है, और उस ब्राउजर पे आने के बाद आप लोगों को बस सिंपली वहां पर लिखना है जैक 11th इंग्लिश कोर, इंग्लिश कोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, इंग्लिश कोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये लिख करके लास्ट में 2023 लगा दीजिएगा, और ये लिख करके सिंपली क्लिक करना है आप लोगों को, सबसे टॉप पे जो रिजल्ट दिख रहा है इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। और इस पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे एक आर्टिकल खुल करके आ जाता है आप लोगों के सामने, और ये आर्टिकल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन शुरू है, और ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जो आप लोग अभी देख रहे थे पीडीएफ में, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग रिविजन के तौर पर यहाँ पर आकर के रिविजन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो पोइट और ऑथर नेम था वो भी है। एक और चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाह रही हूँ, तो बने रहे वीडियो में। तो ये देखिए पोइट और ऑथर नेम तो है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज देखिएगा, यहाँ पर देखिए 11th क्लास मतलब 11th इंग्लिश कोर डे 1 लाइव टेस्ट, डे 2 लाइव टेस्ट, मतलब दो टेस्ट भी मैं कंडक्ट करवाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, बस इस पर सिंपली क्लिक करिए, ठीक है, ये आप लोगों को उस इंटरफेस पे ले जाएगा, और देखिए ये इंटरफेस खुल चुका है लाइव टेस्ट का, क्विज का, ठीक है। और यहाँ पर बस आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और ये आप लोगों का लाइव टेस्ट का लिंक रहा। देखिए 91 लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दे भी दिया है, बस आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट करना, और देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन का शुरू हो चुका है। 17 क्वेश्चन टोटल इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। जैसे पहला क्या है, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम फॉरेस्टर्स नेकलेस, ठीक है, क्या था, 500 फ्रांसिस था या क्या था, जो भी है। देखिए ये जो किए तो ये ग्रीन टिक हो गया, यानी ये सही है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद क्या है, हॉरिस डेनबी वाज फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ नहीं होगा, फाउंड ऑफ होगा, हॉरिस डेनबी किस चीज का शौकीन था, ठीक है। तो वेट 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 वेट, हु इज फाउलर, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे, वेट करिएगा थोड़ा, इसको मैं चेंज कर दूंगी। आई थिंक ये 10th वाला लिंक लगा हुआ है, इसको मैं चेंज कर दूंगी, इसका आप लोग टेंशन मत लो, वो देख लूंगी मैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।